सेवन आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आइए नजर डालते हैं हमारी खास खबरों पर। देश के चेहरे पर लगे धब्बे हटाने के लिए अयोध्या में मंदिर बनाए राम भक्त, अनिल विज का बयान। सिद्धू की आवाज जाने का खतरा, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस का मंत्रिमंडल तैयार। वसुंधरा राजे ने कहा कि शरद पर चुनाव आयोग करे कार्रवाई, उनके बयान से अपमान महसूस कर रही हूं। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय के बाद धरी रह गई भाजपा की तैयारियां। अब जो सभी सही हो उसको एडिट करके मैं वहां पे बता दूंगी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर उत्तेजक बयान देते हुए हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने राम भक्तों से कहा है कि वे अयोध्या में भव्य मंदिर बनाकर देश के चेहरे पर लगे धब्बे को हटाएं। विज इससे पहले भी ऐसे कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी और अब राम भक्तों को ये धब्बा हटाना चाहिए। अनिल विज ने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा कि जब बाबर ताकतवर था उसने राम मंदिर तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवा दी, उसने ऐसा किसी कानून के अनुसार नहीं किया था। ऋषभ, आपने एक ट्वीट किया है, क्या कहना चाहते हैं आखिरकार आप? देखिए, जिस दिन बाबर मजबूत था, शक्तिशाली था, उसने सदियों से बना हुआ राम मंदिर गिराकर वहां पर मस्जिद बना दी। जिस दिन हिंदू शक्तिशाली हुए, जिस दिन राम भक्त शक्तिशाली हुए, उन्होंने वो ढांचा गिरा दिया। और शक्तिशाली हो जाएंगे तो उस दिन राम मंदिर भी वहां पर बन जाएगा। बाबर ने जो मस्जिद तोड़ी थी किसी कानून के तहत नहीं तोड़ी थी, अपनी ताकत के बल पे तोड़ी थी और राम भक्तों को भी अपनी ताकत के बल पर, ये जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक लगा हुआ है उसको मिटाना पड़ेगा और वहां पर भव्य मंदिर बनाना पड़ेगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते करते अपनी आवाज खोने की कगार पर पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में 17 दिन में ताबड़तोड़ 70 रैलियां की। लगातार भाषण देने की वजह से उनके वोकल कोर्ट को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टरों के मुताबिक सिद्धू को लेरिंगजाइटिस बीमारी हुई है, उनकी हालत बेहद गंभीर है। वे अपनी आवाज खोने की कगार पर थे, उन्हें 3 से 5 दिन तक पूरा आराम करने की सलाह दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हेलीकॉप्टर और फ्लाइट में सफर करने से भी सिद्धू की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मतगणना से पहले ही प्रदेश में सरकार बनाने का दावा एक बार फिर कर दिया है। इस बार कमलनाथ ने कांग्रेस को 140 सीटें मिलने की बात कही है। हालांकि नतीजों से पहले बुलाई गई इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुण यादव जैसे कई नेता मौजूद नहीं थे। कुछ उम्मीदवारों ने भावी मुख्यमंत्री के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कुछ ने कमलनाथ का नाम गिनवा दिया। मध्य प्रदेश की नई विधानसभा की तस्वीर 11 दिसंबर को तय होगी, लेकिन नतीजों से पहले कांग्रेस ने अपने मंत्री विधायक सब चुन लिए हैं, बस मुख्यमंत्री के नाम पर खींचतान बची रही है। 3 गुट आपस में भिड़े हुए हैं। कोलारस से विधायक और उम्मीदवार महेंद्र यादव ने खुलकर कहा, युवा चेहरा सिंधिया जी बनेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शरद यादव पर पलटवार किया है। राजे ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए बने पिंक बूथ पर वोट डालने के बाद पत्रकारों से कहा है कि चुनाव आयोग को शरद यादव पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजे ने आगे कहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं अपमान महसूस कर रही हूं। शरद को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, उन्होंने मेरा नहीं बल्कि सभी महिलाओं का अपमान किया है। बता दें कि राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव ने अभद्र टिप्पणी करी थी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अब वसुंधरा राजे को आराम करने के लिए भेज दो, क्योंकि अब वे काम करने के योग्य नहीं रह गई हैं। उनकी टिप्पणी वसुंधरा के शरीर को लेकर थी। हालांकि उनके बयान के बाद जब हंगामा मचा तो यादव ने सफाई दी और कहा कि उनका किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की कुछ बिहार से प्रस्तावित रथ यात्रा को अनुमति देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। तस्वीर में देखिए भाजपा की तैयारियां। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजुमदार ने हाईकोर्ट के इस निर्णय पर कहा है कि वे कल सुबह यानी शुक्रवार को खंडे न्यायपीठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत किसी भी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की अनुमति है, इसी आधार पर हम न्याय मांगेंगे। हमारी खास खबरों में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए 7 न्यूज के साथ। नमस्कार।